देखो एक्ट को ना ये एज अ सैंपल हम बता रहे हैं कि कैसे पढ़ना होता है, ठीक है। फिर इसी बेसिस पे ना बाकी जितना भी इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, फिर तुम्हारा जितना भी एक्ट होगा, जनरली फॉरेस्ट एक्ट वगैरह जितना भी होगा, सब इसी तरह से मार्क करके दे देंगे, पढ़ना खुद से, है ना। पहले समझ लो कि कैसे पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे कैसे इसी पैटर्न में मार्क करके आगे भी देंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि ये कौन सा एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो देखो इसमें तुमको ये पढ़ना है कि डेफिनेशन में एनिमल में क्या क्या इंक्लूड होता है। एनिमल में तुम्हारा एम्फीबियंस है, बर्ड्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, उनके यंग वन है, और बर्ड्स और रेप्टाइल का जो अंडा है वो तक एनिमल में आता है, ठीक है। बस इसमें ये इतना ही पढ़ना है, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। अब चलो सीधा, पेज तो 7वां है लेकिन बीच में फिर कोई काम का पेज था नहीं, ठीक है, उसमें हटा दिया गया। तो इन्वेजिव एलियन स्पीसीज में क्या क्या आता है, तो तुम्हारा एनिमल भी आता है, प्लांट भी आता है, जो कि नेटिव टू इंडिया नहीं है, इतना तो सबको पता होगा। लेकिन अब इसके आगे सुनो, जिनके इंट्रोडक्शन से या स्प्रेड से एडवर्स इंपैक्ट होता है हैबिटेट को, ठीक है। उसके बाद लाइफ स्टॉक का भी इसमें मेंशन है। तो अगर आता है कि वाइल्ड लाइफ प्रोडक्शन एक्ट है, वो लाइफ स्टॉक को मेंशन किया गया है कि नहीं किया गया है, तो वो स्टेटमेंट सही होगा, ठीक है। अब आगे चलो, अब देखो मीट में क्या क्या आता है, ठीक है। मीट में तुम्हारा ब्लड भी आता है, बोन भी आता है, सिन्यू भी आता है, एग्स भी आता है, शेल भी आता है, कैरापेस भी आता है, फैट आता है, फ्लेश आता है, विथ और विदाउट स्किन, रॉ या फिर कुड, और एनी वाइल्ड लाइफ एनिमल और कैप्टिव एनिमल अदर देन वर्मिन। वर्मिन का कहानी को हम लोग मीट में कंसिडर नहीं करेंगे एक्ट के हिसाब से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो वर्मिन को किसके अंदर क्लासिफाई किया है, सेक्शन 62 के अंदर, ठीक है, वो आगे देखा जाएगा। चलो अब आता है तुम्हारे जैसे नेशनल, एक मिनट कहाँ जा रहे हो, हाँ। तो देखो एक्ट के अंदर तो बहुत सारा बॉडीज को कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो नेशनल जो है बोर्ड जो है वाइल्ड लाइफ का, वो तुम्हारा आता है इस एक्ट के अंदर। तो इसका मेंबर कौन कौन है, बस इसमें एक एक झलक ले लेना, इसका फंक्शन क्या क्या है, और इसको जब स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा तो उसका मेंबर कौन कौन होगा, ये देख लेना बस, ठीक है। एक बार सरसरी निगाह से देख लेना, रट्टा मारने का जरूरत नहीं है, 3-4 बार आपके सामने से गुजारोगे वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ो, ये जो मार्क किया हुआ है ये तुम लोग से शेयर कर रहे हैं, बस अभी बता रहे हैं कि कैसे, ठीक है, कि कोई कोई नो कोड मत करो, ठीक है। अच्छा परमिशन जो है ग्रांट किया जाएगा, ऊपर देख लीजिए, देखो कौन परमिशन ग्रांट करेगा, तो किस किस परमिशन के लिए ग्रांट करेगा, एजुकेशन के लिए, साइंटिफिक के लिए, और साइंटिफिक मैनेजमेंट के लिए भी, ठीक है। साथ ही साथ कलेक्शन ऑफ किस चीज का, स्पेसिमेन, जो कि यू के सब्जेक्ट है, म्यूजियम के लिए या फिर सिमिलर इंस्टीट्यूशन में होता है, पता है नहीं, म्यूजियम में सब सैंपल अगर कलेक्ट करके रखा जाता है, ठीक है। अच्छा उतना ही नहीं, साथ साथ स्नेक वेनम के लिए भी है, जो कि दवाई बनाने का काम आएगा, मतलब जो भी पॉजिटिव चीज है उसके लिए अलाउ किया गया, ठीक है, नेगेटिव चीज के लिए अलाउ नहीं किया गया, ठीक है। अब आओ चुपचाप से आगे। अच्छा सेंचुरी का डिक्लेरेशन, सेंचुरी का डिक्लेरेशन कौन करता है, आनंद नहीं बताएगा, सेंचुरी का डिक्लेरेशन कौन करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, कौन करता है, अरे कौन करता है, नहीं पता, सुन लो, स्टेट गवर्नमेंट करता है, ठीक है। तो इसी तरह से चुपचाप से थोड़ा थोड़ा देखते चलना, है ना। अच्छा इस पेज में और कुछ पढ़ने का लायक नहीं है, ये पेज का जो रखे, ठीक है, छोड़ो जाओ। हाँ अब आ जाओ सीधा इस पेज पर आ जाओ, यहाँ पर क्या क्या किसके किसके को रिस्ट्रिक्शन किया दिया गया है सेंचुरी में, तो नो पर्सन अदर देन किस, मतलब यही पर्सन, इसका मतलब क्या, नो पर्सन अदर देन मतलब यही पर्सन जो नीचे मेंशन किया जा रहा है, बस यही लोग हो सकता है, इसके अलावा कोई नहीं घुसेगा, ठीक है। तो कौन कौन है, जो पब्लिक सर्वेंट है वो भी ऑन ड्यूटी, ये नहीं कि पब्लिक सर्वेंट है और चले जाइए, उस कैंपस में बकायदा उस जो इंस्टीट्यूशन है उसमें आपका ये नौकरी होना चाहिए, ठीक है। फिर जो और जिसको भी चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन परमिट करेगा, जो ऊपर वाइल्ड लाइफ का भी कहानी था वही है सेम, ठीक है। अब मान लो कि जैसे सेंचुरी डिक्लेयर एरिया है, इसको सेंचुरी कौन डिक्लेयर कर दिया, स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर कर दिया, तो वहां पर जो आदमी होगा उसको ऐसे थोड़ी उखाड़ फेंक दोगे, तो जिसका इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस एरिया में वो वहां पर जा सकता है। साथ ही साथ उसके साथ जो कोई पब्लिक हाईवे भी, मान लो कि वहां से उसके आसपास से पब्लिक हाईवे गुजर रहा है, तो इसके मूवमेंट में थोड़ी रिस्ट्रिक्शन लगा दोगे, तो वो गुजर सकता है, ठीक है। चलो फिर तो ये देख लेना कि किस किस पर्पस के लिए, जैसे जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो परमिशन ग्रांट करेगा, है ना, वो तुम्हारे जनरली वही होता है, मैन वर्सेस वाइल्ड वाला जो कहानी है, टूरिज्म के लिए, तुम्हारा फोटोग्राफी वोटोग्राफी के लिए, हाँ। लेकिन आपको छेड़छाड़ नहीं करना है वहां पर जो हैबिटेट है उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, कि इस एंगल से फोटो अच्छा आ रहा है तो ये पेड़ को उखाड़ दीजिए, वो काम नहीं करना है आपको, ठीक है। चलो अब देखो डिक्लेरेशन ऑफ नेशनल पार्क कौन करता है, स्टेट गवर्नमेंट करता है, क्या किस, लेकिन वो पहले इंटेंशन उसको दिखाना पड़ेगा नेशनल पार्क का, ठीक है।
उसके बाद धीरे 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 बहुत सारा प्रोसेस होता है, वो अब जानने का जरूरत नहीं, बस ये दिमाग में रखना कि इंटेंशन होना चाहिए टू कॉन्स्टिट्यूट सच एरिया एज नेशनल पार्क, ठीक है। बाकी फिर ये सब भी जो पॉइंट है आपको देख लेना, उसके इधर उधर अगर जाओगे तो फंस जाओगे, ठीक है, इसे भी है। अच्छा अभी देखो कि स्टेट मैनेजमेंट ऑफ कंजर्वेशन एंड कम्युनिटी रिजर्व, इस पे भी जो है कहानी हुआ है, तो मतलब एक तरह से कह सकते हो कि ये सब जो है तुम्हारा एक्ट के हिसाब से ही हो रहा है, ठीक है, देख लेना, ये सब पढ़ लेना, अच्छा है, बड़े मजा आएगा इसको पढ़ने में, ठीक है। अच्छा सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो है डिक्लेयर कर सकता है, ठीक है, ये भी जीत है सेंचुरी नेशनल पार्क को, लेकिन उसका सब्जेक्ट टू कुछ कुछ कंडीशन है, देख लेना यहाँ पर, ठीक है। अच्छा लेकिन फॉरवर्ड जो है, जो भी चीज ये बना रहे उसका एप्लीकेशन को फॉरवर्ड कौन करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट ही करेगा, ठीक है। फिर सेंट्रल जो अथॉरिटी भी तुम्हारा एक्ट के हिसाब से ही बनता है ना, ये सब बॉडी सब इसलिए याद करना जरूरी है, पूरा याद करने की जरूरत नहीं, ये बॉडी बस मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी बॉडी है कि नहीं है, तो स्टैट्यूटरी बॉडी है नहीं है, रहे ना स्टैट्यूटरी बॉडी, ये किसी को नहीं समझ में आ रहा है क्या कि सेंट्रल जो अथॉरिटी क्या है, कौन सा बॉडी है, स्टैट्यूटरी स्टेचुटरी होगा ना सर, एक्ट से ही बना है ना। होगा, ठीक है। टर्म जो है 3 साल का है ना, ये देख लो, ये सब सब मेंशन किया हुआ है, एक मिनट में हम हटा दे रहे, तो बाद में कोई दिक्कत होगा तुम लोग के लिए, ठीक है, चलो। हाँ देखो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी भी जो है इसी के हिसाब से आया, तो देखो भाई ये सब ऊपर आलतू फालतू है, डिफिनेशन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें देख लो कि इसमें कौन कौन कॉन्स्टिट्यूट करता है, तो भाई इसमें प्राइम मिनिस्टर आता है क्या सेंट्रल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में, प्राइम मिनिस्टर आएगा सेंट्रल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी में, नहीं आएगा, ठीक है। देखो कौन कौन आएगा तुम्हारा, एक मिनट देखो, ये चेयरपर्सन बनेगा, मिनिस्टर इन चार्ज, मिनिस्ट्री ऑफ वाइस प्रेसिडेंट बनेगा, ठीक है। इसी तरह से जितना तुम्हारा मेंबर है उसका यहाँ से देख लेना, ठीक है। अच्छा उसका रिटायरमेंट का भी टर्म है, जो मतलब यहाँ पर DLG जो 8 मेंबर है ना, ये भी 3 साल से ज्यादा नहीं रह सकता है, ठीक है, इसका 3 साल, एक मिनट दिखे तो, हाँ ठीक है 3 साल, ठीक है। जनरली अब अभी जितना भी बन रहा था, सरकार जिसको बना रहा था 3 साल है, सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट मूड, ठीक है, इसी हिसाब से बन रहा है, ठीक है। अच्छा पावर क्या क्या है, तो जनरल पावर ही है, लेकिन एक बार बस ऊपर से ना रटना नहीं, सरसरी निगाह से एक बार देख लेना कि आखिर क्या क्या कर सकता है ये लोग, ठीक है, अप्रूव कर सकता है, कोऑर्डिनेट कर सकता है, वही जो भी मतलब टाइगर को एक तरह से क्या चीज, ये ऑथोरिटी क्या काम करेगा, टाइगर को संख्या को सेट करने का काम करेगा ना, तो उस हिसाब से ये मेंशन किया हुआ है इसमें, ठीक है। बाकी अल्टरनेशन और डिनोटिफिकेशन जो है टाइगर रिजर्व में अगर आपको करना है, तो सिर्फ NBWF है ना, नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ, जो ऊपर ऊपर में हम लोग पढ़े हुए हैं ना, पढ़े क्या मतलब पढ़ लेना, तो ऊपर मार क्या हुआ है वो, या फिर ये PCA के रिकमेंडेशन पे ही उसमें अल्टरनेशन किया जाएगा, ठीक है। अच्छा वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो, ये भी तुम्हारा स्टेचुरी बॉडी है, किसके अंदर बना है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर बना है, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर नहीं बना है, कंफ्यूज नहीं करना, ठीक है। इसमें कौन कौन मेंबर होते हैं तब पढ़ने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जान लेना है ना, ऊपर से देख लेना कि भाई देखो IRS लोग भी रहता है इसमें, ठीक है, IRS लोग भी रहता है। अच्छा IRS लोग क्यों रहता है इसमें, कस्टम एक्साइज लोग क्यों रहता है, ये लॉजिक तो मेरे को समझ नहीं आ रहा, कोई समझाएगा मेरे को ये लॉजिक, एग्जॉटिक एनिमल्स की एक्सपोर्ट इंपोर्ट होती है ना। ठीक, चलो चलो ठीक है। अच्छा शेड्यूल एनिमल मतलब क्या है, ये नहीं कि सारा शेड्यूल एनिमल, शेड्यूल एनिमल मतलब मेजर वन होगा, शेड्यूल 1 से रिलेटेड, ठीक है, ये भी देख लेना यहाँ पर तुम, है ना। चलो तो काम का, काम का चीज मार्क किया हुआ है ऐसे ही, किस किस कंडीशन में एक्सपोर्ट किया जा सकता है, शेड्यूल 4 का ही परमिशन है, 3 का शेड्यूल 4 का ही जनरली परमिशन है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का, है ना। और इसमें तुम्हारा आ जाएगा शेड्यूल 4 और एक और, हाँ ठीक है, अपेंडिक्स 3, अपेंडिक्स 2, उसी में तुम्हारा शेड्यूल 4 का ही जनरली एक्सपोर्ट इंपोर्ट का दिया हुआ है, 1 2 का कुछ परमिशन नहीं है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब आ जाओ, कौन कौन मार्क किया, देखो इसमें देखो समझना को कोशिश करना, तुमको देखो एनिमल का मैमल्स का तुम लोगों को आइडिया होगा, ठीक है, शेड्यूल 1 का ही एनिमल पे हम लोग को ज्यादा फोकस रखना है, ठीक है। शेड्यूल फिर से बोल रहे हैं, कौन से शेड्यूल में फोकस रखना है, शेड्यूल 1 के ही एनिमल पे ज्यादा फोकस रखना है। एक चीज बस ये करना देना कि ये सब ना चुपचाप से इसे याद कर लेना कि एंटलोप क्या होता है, मैमल होता है, फिर थोड़ा नीचे आएंगे बैजर क्या होता है, मैमल होता है, फिर थोड़ा नीचे हो बैट्स क्या होता है, मैमल होता है, ठीक है। तो ये सब ऊपर से मार्क लेना, नीचे नीचे जो जो जानवर के आगे हम
ऐसे टिक मारेंगे ना, देखो जिसको मार्क किए हैं इसको तो तुम एक बार इमेज देख ही लेना, लेकिन जिस जानवर के आगे टिक मार्क करेंगे सिर्फ उसी का नोट्स। हाँ क्या हम बोले, तो रोशनी रिपीट करो, रोशनी। यस सर, हाँ क्या मैंने बोला, रिपीट करो। बैठ के सब कथा सुनो, है ना? ठीक है। हेलो हाँ सर, जो आपने मार्क किया है उसको जो मार्क किया उसको हिमांशु क्या बोलते हैं, जरा बता, जोर से चिल्ला के बता दो सबको। सर बाकी सबकी फोटो देखनी और जो मार्क करे उनके बारे में पढ़ना। यही तो गड़बड़ करते हो। देखो जितना भी यहाँ पर मार्क किया हुआ है ना, ये सब तुमको सबका फोटो देखना है, बाकी जिसके आगे एन लिखेंगे या फिर स्टार मार्क बनाएंगे उसका ही नोट्स बनाना है, ठीक है? बाद में फिर बात बोल देना कि बहुत सारे जानवर कैसे बनवा रहे हो। हाँ देखो, और ये सब जरूर याद रखना, जैसे मैम पार्टी में मैम बता रहे हैं, एंड कर दो, इसके पीछे का पर्पस सुन लो। 2020 का प्रदर्श कोई दिया है यहाँ पर? 2023 का कोई प्रदर्श दिया है? नहीं दिया है। देखो 2020 बोल रहे हैं कि 23 बोल रहे हैं, 2020 का बोल रहे हैं। 20 का कहाँ से बोल रहे हैं? अच्छा ठीक है, देखो ना आया था चुपचाप से, उसमें ना एक आया हुआ था ये कि फ्रॉग बहुत सारा दिया हुआ था, समझा, नाम दिया हुआ था जानवर का फ्रॉग माउथ करके दिया हुआ था, समझा, और नीचे दिया हुआ था कि प्राइमेट्स है ना, कि बर्ड्स है कि क्या है, क्योंकि ये एक्ट मेरा पढ़ा हुआ था इसीलिए क्वेश्चन आराम से मेरे से बन गया था, ठीक है? फ्रॉग माउथ जो है बड़ा वर्ड होता है, ठीक है, इसीलिए बोल रहा। देखो ये सब जैसे फ्लाई कैचर, सर मान लो तो कोई पूछ देगा तुमसे कि फ्लाई कैचर क्या है तो फिर कंफ्यूजन हो जाएगा ना इसमें, इसीलिए ये सब ऊपर ऊपर जो मार कर रहे बाबू इसको तुम लोग याद कर ले ना। चलो आते हैं, कहाँ गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, में कोई खोलना मत, ठीक है? जोश जोश में आगे, ठीक है? तो जैसे मैम एंटेलॉप्स क्या होगा, मैमल होगा, ठीक है? बैजर्स क्या होगा, मैमल होगा, ठीक है? तो इस कैटेगरी को याद रखना, जल्दी जल्दी से एक बार जरा मार्क करते चल रहे, ठीक है? ब्लैक बॉक्स पे तुमको नोट्स बनाना है, ठीक है? चिंकारा पे तुमको नोट्स बनाना है, इस पे तुमको नोट्स बनाना है, बैजर्स का खाली फोटो देखना है, ठीक है? बैट्स में इस पे नोट्स बनाना है, 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 इसको छोड़ देना, बस इसको बस पढ़ लेना। मान लो कि कल आके आ जाता है कि सलीम अली और वैभव सिंह जो है कि किससे रिलेटेड है, तो बैट्स से रिलेटेड है, ठीक है? नोट्स बस इसी नंबर का बनाना, ठीक है? आगे बढ़ो, इसमें नोट्स बनाना है, एशिया का बनाना है और इसका बनाना है, बाकी का फोटो देखना है, ठीक है? बीएस तो आ रहे, बीएस मेहमान होता है, पता है कि नहीं पता है? मेहमान कौन होता है, मेहमान कौन होता है, मेहमान कौन होता है हिमांशु, मेहमान क्या होता है? बड़ी शर्माते हो तुम लोग। आनंद मैमल्स क्या होता है? सर मैमरी ग्लैंड्स जो होता है वो मिल्क प्रोड्यूसिंग एनिमल्स होते हैं। यही ना बात हो गया, तुम लोग गड़बड़ कर देते हो। वेल वेल का आपके पास होता है? वो एक्सेप्शन हो जाएगा सर। चलो ठीक है, यही बात है, ठीक है? चलो अब देखो यहाँ पर देखो कि जैसे बीतू रोंग जो है, बीतू रोंग, अब इसको देखने का जरूरत है कि बीतू रोंग क्या होता है, लेकिन बीतू रोंग दिमाग में रखना क्या होता है, मेहमान होता है, ठीक है? कैनिड्स, ये तुम्हारा जंगली हो जाता है, कुत्ता कुत्ता बकरी लोग, कुत्ता बकरी कह रहे हैं, कुत्ता लोग, ठीक है? जैकल देख लेना, ठीक है? ग्रे वुल्फ को कुछ जरूरत नहीं है, कैप्रिंस मैं तो तुमको समझ में आ जाएगा, इस पे नोट्स मांगना, इस पे नोट्स मांगना, इस पे नोट्स मांगना और इस पे नोट्स मांगना, ठीक है? कैट्स में इस पे नोट्स मांगना, इस पे नोट्स मांगना, इस पे नोट्स मांगना, इस पे कोई लिखो मत, हम भेज देंगे, ठीक है? पूरा डॉक्यूमेंट ही भेज देंगे, ठीक है? इस पे नोट्स, इसको छोड़ देना, उसका बस फोटो देख लेना, ठीक है? अच्छा नोट्स जिस पे बनाने बोल रहे, देखो उसमें क्या क्या कवर करोगे, क्या क्या कवर करोगे बताए हैं, देखो IUCN,
और डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, और नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बस यही तीन चीज होना चाहिए। इस तीन चीज से ज्यादा अगर डालोगे फिर याद रहेगा भी नहीं, ठीक है। चलो, और शेड्यूल वन का ही जानवर पे हम लोग फोकस कर रहे हैं, ठीक है, बाकी पे वैसे फोकस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा आ जाओ, अब आ जाता है तुम्हारा डॉल्फिन। डॉल्फिन मैमल होता है क्या, कि गलत दिया ही है? डॉल्फिन मैमल होता है कि मछली होता है? गजब हालत है यार, मैमल। मैमल ही होगा सर, हाँ इसमें मैमल, बहुत इंटेलिजेंट एनिमल होता है ये। हाँ मैमल है, ठीक है। स्पीड नोट्स बनाना, स्पीड नोट्स बनाना, स्पीड नोट्स बनाना। अबे यार ये कैसे छूट गया, एक मिनट। हाँ यही चार बनाना, बाकी क्या, बाकी बाकी छोड़ के चले जाना। ये सब बस नाम देख लेना कि भाई अगर कलो के रीसो किससे रिलेटेड होता है, रफ टूथ किससे रिलेटेड होता है, तो डॉल्फिन से रिलेटेड होता है, ठीक है। डुगोंग पे पक्का बनाना है इस साल, हो सकता है कि आए इस पे सवाल, ठीक है। एशिया के कैनल पक्का बनाना है इस पे, ठीक है। रेड फॉक्स, इसको इस पे बनाना, बाकी को छोड़ देना, बाकी का फनी फोटो देख लेना। हिरस क्या होता है नहीं बताओगे? हेयर्स क्या होता है? स्पीड नोट्स मारना है, ठीक है। हाइना वाइना सब छोड़ना, फालतू है ना। मार्टेंस देख लेना, इस पे नोट्स मारना है, ठीक है। अच्छा इस पे नोट्स मारना है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 के लिए, ठीक है। ये बनाना है, छोड़ना इस पर नोट्स नहीं बनाना, बस ध्यान देख लेना कि बोन होटे करके भी कुछ होता है, ठीक है। इस पर नोट्स बनाना है, 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 इसको छोड़ देना, ठीक है। रजनी राइट भी ऐसे देख लेना, इन दोनों का कंपैरिजन करना है, ठीक है। 2021 प्रीलिम्स में शायद आया है ये क्वेश्चन, 2021, ठीक है। कंपैरिजन, कॉम्पेरिजन, ठीक है। इसको बस ऐसे देखना है, इस पर नोट्स नहीं बनाना है, इस पर नोट्स 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 बनाना है, ठीक है। बाकी का बस फोटो देख लेना, ठीक है। एक मिनट, इसका इसका भी बस फोटो देख लेना, इसका भी फोटो देख लेना नोट्स बनाना, ठीक है। इसका भी फोटो देख लेना, नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है, ठीक है। इसका नोट्स बनाना है, ठीक है। इसका नोट्स बनाना है, हिमालयन पांडा, इसका नोट्स बनाना है। इस पे सवाल आ चुका है इसलिए अब नहीं आएगा शायद, क्योंकि 2021 में सवाल पूछा है इस पर, इतना जल्दी जल्दी नहीं पूछ रहे, तो छोड़ दो उसको, ठीक है। इसको पे बनाना है सवाल, इस पे सवाल बन रहा है, इस पर नोट्स बनाना है, ठीक है। इस पर नोट्स बनाना है, ये क्या पागल पागल हो गया क्या? श्रीउस के नीचे ताहर कैसे लिख दिया है पगला? श्रीउस पता है क्या होता है? देखो तो ये यहाँ पर को हम अमेंडमेंट कर देते हैं, ताहर अलग होता है, ठीक है। श्रीउस, श्रीउस जो है ना चूहा टाइप का होता है, ठीक है, पर ये ताहर जो है ना बकरी टाइप का होता है, ठीक है। शिरोज का मुंह ऐसे लंबा सा थुथुना आगे निकला रहता है, ठीक है, ये होता है। यहाँ लिख दो ये अलग कर दिया, पता नहीं क्या क्या करता रही लोग, लेकिन ताहर को बना। और ये बात अपने मन से नहीं बोल रही, गलती है एक्ट में, बताओगे तो अवार्ड भी देगा तुम लोग को, किसी को अवार्ड देना हो तो पीएमओ को टैग कर देना इससे। आप ले लीजिए सर, हम लोग फिर आपको मार्केट कर देंगे, आप अवार्ड भी नहीं है। अरे यार चलो ठीक है, अब हम अपने सरकार का बुराई नहीं करते हैं, नहीं तो फिर ऐसी ऑपोजिशन घेरना शुरू कर देगा। चलो प्रीव्यू छोड़ देना, फालतू है तो फालतू ये जिस पे नोट्स मार लेना, ठीक है। ऐसा देखने के लिए ना इसको देख लेना जरा, बस इसको सही को, और एक और हम देख लेते हैं एक मिनट। हाँ बाकी बाकी इस पे इसको को देख लेना, ठीक है। इसको जो है ठीक है, ठीक है। इस पे नोट्स बना लेना, ये आपको छोड़ दूँ, इस पे पक्का नोट्स बनाना, ठीक है। वीजल क्या होता है?
लगता है वीजल क्या होता है? हैरी पॉटर देखे हो? नहीं देखे हो, छोड़ो हटाओ। वर्मिन टाइप का होता है ये, ठीक है, मंगूस। ये देखे हो लायन किंग? कोई फिल्म देखा है, द लायन किंग? यस सर। उसमें दो होता है, एक पुम्बा होता है और एक होता है तुम्हारा ये, अरे यार उसका नाम बोल रहे। तो पुम्बा जो है ना मरकीट होता है, ठीक है, ये मरकीट टाइप का होता है। ये लोग सब ना ये मंगूस फैमिली से होता है, ठीक है, मंगूस फैमिली से होता है। मंगूस मंगूस बैट वही था, याद होगा बचपन में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चला था 2003 के वर्ल्ड कप के बाद, ठीक है। तो वीजली जो है ना वर्मिन होता है, ठीक है, वीजल्स जो होता है ना वर्मिन होता है। हैरी पॉटर में जो नहीं था रॉन वीजली, लोग वो लोग जादू में जादूगर के कम्युनिटी का सबसे लोअर कैटेगरी में आता था, ठीक है, वीजली तो वर्मिन था वो लोग एक तरह से, मतलब मार दो बोल दो कोई ऐसा इंपॉर्टेंस है नहीं, तो ये सब वीजली। चलो ठीक है, इस पे बनाना नोट्स, ठीक है, इस पे बनाना। ये याद रखना कि बिटरेंस हेरॉन्स और ये सब क्या होता है, क्या होता है ये सब? बिटरेंस हेरॉन्स क्या होता है? क्रिकेट्स? अब तो बता दे, बर्ड्स होता है, बंटिंग्स ये भी बर्ड्स होता है, बस्टेड तो तुम लोग समझ ही जाओगे। इस पे नोट्स बनाना है, इस पे नोट्स बनाना है, इस पे नोट्स बनाना है, ठीक है, ये को बस देख लेना और इसको नोट्स बनाना है, ठीक है। ब्लैक नेक क्रेन पर नोट बनाना है और एक सारा स्क्रीन पर नोट बनाना है, ठीक है। साइबेरियन क्रेन क्या है तुम लोग सबको जानते हो, इसलिए हम रिकमेंड नहीं कर रहे कि इसको उन पर नोट बनाना है, ठीक है। अच्छा ये सब कुछ, ठीक है, तुम लोग जानते ही हो, सब जानते ही हो। इस पर नोट्स बनाना है, इसको लीव कर जाना। फिन फूड्स बर्ड होता है, ये याद रखना। फ्लाई कैचर्स बर्ड होता है, याद रखना। चार्ट जो है वो भी ब्लड होता है, एलाइज जो होता है वो भी ब्लड होता है, ठीक है, बर्ड होता है। फ्रिगेट बर्ड्स, अच्छा फ्रिगेट और एलाइज समझे बर्ड्स क्यों होता है? बर्ड्स ना हमेशा एलाइज में चलता है, ठीक है, और नेवल्स का भी जो फ्रिगेट होता है ना, फ्रिगेट कुछ दिन पहले बताया है, इसे मूव मत बनाओ तुम लोग, ठीक है। नेवल जैसे ये जो है तुम्हारा आईएनएस ऊपर से ऊपर का हेलीकॉप्टर व्यू दिखा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लो ऐसे तुम्हारा है, ये आईएनएस विक्रमादित्य है, ठीक है, तो संग संग ना इसके ये फ्रिगेट चलता है ऐसे, ठीक है। तो ये सब जनरली बर्ड वाले ही टर्म से लिया गया है, ठीक है। फ्रॉगमोथ तो बता ही देते हैं, गुल्स तो तुम लोग समझता ही होगा। गुल क्या होता है रे, क्या होता है गुल? अरे बर्ड होता है, हम लोग के बिहार झारखंड में गुल एक चीज और होता है, सुबह सुबह सब लोग लेके जाता है फिर वो, ठीक है, तो ये ठीक है। चलो पता है किंगफिशर, किंगफिशर क्या होता है? बर्ड अरे विजय माल्या कंपनी था, बर्ड है ऐसे, ठीक है। चलो ये सबका फिर इसका ना ये सबका फोटो देखना, इसका फोटो देखना, इसका भी सब सबका फोटो देखना, इस पर नोट्स बनाना, 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 इस पर नोट्स मत, हाँ इस पर नोट्स बनाना, इस पर नोट्स बनाना, इसको छोड़ देना, इस पर नोट्स बनाना, ठीक है। फिर बाकी जो है ना तुम ये सब तो इस पे नोट्स बनाना, ठीक है, फॉरेस्ट ऑयल को छोड़ दो, लॉग लिख रहा हूँ। जनरल याजा खान को का फोटो कोई देखा है? सैम बहादुर में देखे हैं, हाँ सैम बहादुर में देखे थे। हाँ तो उसका जैसा आंख का भौंसा तना हुआ था ना, वैसे ही ई उल्लू होता है, समझे, ठीक है। चलो बाकी छोड़ दो इस पे ना, ये देख लो, इस पे नेक बनाने का जरूरत है, इस पे भी नेक बनाने का जरूरत है, इस पे नोट्स बनाना, इस पे नोट्स बनाना, बस। उसके बाद पिजन में ये सब बोर्ड, पिजन ये सब फालतू ये सब छोड़ दो, छोड़ दो, ये भी छोड़ दो। स्टॉक्स में भी व्हाइट स्टॉक पे नोट्स बनाना, ये लोअर ऑर्डर में ही रखो, मन किया तो बना लेना, नहीं किया तो मत बनाना, ठीक है। इसको सिंगल इसको मान के चलो, इसको डॉट लगा देते हैं, ठीक है। ये सब पे नोट बनाने की जरूरत नहीं है, ये भी नोट बनाने की जरूरत नहीं है, इस पे भी नोट बनाने की जरूरत नहीं है। अब आ जाओ इस पे, ये पार्ट सी, अब बस एंड होने वाला है यहाँ, जो कि हड़बड़ा मत जाता है, 178 पेज है, बस इतना ही करना है, ठीक है। इन पे सब पे नोट्स बनाना है,
ठीक है, इस पे भी नोट्स बनाना है, इस पे भी नोट्स बनाना है, ये न्यूज में बहुत ज्यादा चढ़ा हुआ है। ठीक है, एक मिनट, तुम लोग होमवर्क किया था जयपुर के एको पे? नहीं किया था, कोई बात नहीं, अब कर लेना, पापा प्रायश्चित करने का मौका यहाँ मिल रहा है, कर लेना। ठीक है, गेको क्या होता है, गेको क्या छिपकली होता के जैसा होता ना वो। है? हाँ, हम लोग का जो देसी धर्म घर वाला जो लिजार्ड होता है ना, लिजार्ड जो होता है वो बड़का वाला होता है, हम लोग घर में जो चलता है वो गेको होता है। ठीक है, तो इस पे नोट मान लेना, बस बाल्टी, बस यही अरे मतलब। अरे हाँ बोलो। अच्छा, कोई कुछ नहीं बोल रहा, चलो इन दोनों पर नोट्स बना लेना। ठीक है, कंपैरिजन स्टाइल में करना इसको। ठीक है, इस पर नोट्स बना लेना, न्यूज में चला हुआ है ये, न्यूज में क्यों है कोई बता सकता है? सब छोड़ दिया, पढ़ाई लिखाई पेपर ऊपर सब, बहुत बढ़िया। अच्छा, इसको छोड़ दो, इस पे बस नोट्स, नोट्स मत बना, छोड़ दो, ऐसे बस देख लेना है ना, देखने का जरूरत नहीं है ना इसमें। इस पे नोट्स बना लेना। ठीक है, इस पे नोट्स बना लेना, इस पे नोट्स बना लेना, इस पे और इस पे बस बात करना। उसके बाद चलो, इसको बना ही लो, इसको हम छोड़ रहे थे, बना ही लो, उस पर ना नोट्स बना लो, ये न्यूज़ में है। ठीक है, बाकी तो ठीक है सबका। देखने एक, तो पता है तुम लोगों को याद है कि नहीं याद है, एक ऑस्ट्रेलियन था, क्या बोलते हैं, एक ऑस्ट्रेलियन था, स्टीव इरविन, नाम सुने हो कोई? उसका ना नेशनल ज्योग्राफिक पे भी आता था, क्रोकोडाइल हंटर करके। ठीक है, क्रोकोडाइल हंटर्स, उसको ना ये स्टिंगरे मछली का गैंजिस वाला स्टिंगरे नहीं मिला ना उसको, ऑस्ट्रेलियन स्टिंगरे मारा था तो मर गया था वो। ठीक है, तो रेस जो है ना वो मछली भी होता है। ठीक है, मतलब ऐसे समझो कि इसमें जेली टाइप का होता है, इसमें ऐसे लंबा लंबा लगा होता है, और इसमें एकदम धार टाइप का लगा रहता है। ठीक है, घुस जाएगा सीधा अंदर। ठीक है, तो स्टिंगरे होता है। ठीक है, इस पे नोट कर लेना। ठीक है, बाकी ये तो इस साल पक्का आ रहा है। ठीक है, सी कुकुम्बर, ये पक्का पिछले 3 साल से, लेकिन अभी तक आया नहीं है, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, शायद इस बार आ जाए। ठीक है, ठीक है, मोलस्का, जब मतलब समझते हो ना, मोलस्का क्या होता है, क्या होता है मोलस्का? प्लांट वैरायटी है। नहीं नहीं सॉरी, ये सॉफ्ट सेल वाला ये एनिमल्स ठीक है, इंसेक्ट्स टाइप का। हाँ, तो ये बस ना ऊपर ऊपर से बस इसको देख लेना कि क्लैम्स मतलब भी मोलस्का में आता है, कौन से मोलस्का में आता है, नॉटिल्स, शेल्स वगैरह सब जो है ना, सब मोलस्का में आता है। इसमें स्पेसिफिकली कोई नोट्स मारने का जरूरत नहीं है। ऑर्थोपॉड क्या होता है, ऑर्थोपॉड क्या होता है, तो 8 लेग्ड ऑर्गेनिज्म जो स्पाइडर वगैरह है, इंसेक्ट और ऑर्थोपॉड क्या अंतर होता है? अभी सत्य बहुत गंदा बात बोला है, पता नहीं एकदम गंदा बात बोला है। ओरिजिन ऑफ लेग्स शायद अलग अलग होता है इनका। एक बीच से होता है, सेंटर से, एक का साइड से होता है। 10th का, 9th का कोई एनसीईआरटी का तुम लोग नहीं पढ़े हो, इसीलिए ऐसे ऐसा बात बोल रहे हो, और हम बताने वाले भी नहीं है, हम लोग हम पंगू बना दिए, हम देख रहे हैं फ्री में सर्च सब कर लेंगे कुछ। सर एक एक हाँ, करके। अभी तुम लोग हम समझ रहे हैं, मुफ्त करियोड़ी बांटना बंद कर रहे हैं। चलो, लू पोसी, ये सब सब देखो, ये सब सब में नोट्स नहीं मारना है। ठीक है, ये सब पे याद रखा, जैसे मान लो कि आ गया कि चाचर मैंड्रिन और चैपमैन ब्लू, ये सब क्या है, तो ये सब क्या है, क्या है रे, बटरफ्लाई है। ठीक है, एक मिनट, ठीक है, ये सब नाम बस तुम लोग को याद रखना है, छोटा मोटा है ना, ज्यादा कुछ इसमें नोट छुपाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, और अब बस होने ही वाला है ये, एक मिनट, कोई ज्यादा मार्क नहीं किया, एक मिनट, कोई और मार्क कर ही नहीं रहा, एक मिनट, एक मिनट, ये न्यूज में है, पिछला 4-5 ये 7-8 महीने कोई कोई न्यूज पढ़ा, ये न्यूज में है, इसका लोकेशन पे, इसका नोट्स बनाना, बस लोकेशन याद रखना, बस और कुछ मत याद रखना। ठीक है, लोकेशन लिख दिया। ठीक देखो,
ये क्या लग रहा है, क्या हो सकता है? स्पॉटेड ब्लैक क्रो क्या होता है? स्पॉटेड ब्लैक क्रो क्या है? कौआ क्या है? लग तो वही रहा है सर अरे पगला, अभी ना ऊपर बताएं कौन चाहिए ये सब। देखो जी। ठीक अच्छा बटरफ्लाई से तो है, चलो अब दो। और इस पे सब कुछ काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, कोई काम का नहीं है, फालतू फालतू। हाय हाय, ये भी कोरल्स छोड़ दो, कोरल्स छोड़ दो, नहीं पन्ना, हीरा पन्ना क्या पन्नोगे तुम लोग। ठीक है, शेड्यूल 2 में अब देखो, अब गिन के अब ज्यादा जा रही है, 10 10 जानवर मार कर आएंगे बस, उसके बाद तुम लोग फ्री हो जाओगे। ठीक है, देख लो, नील गाय, इस पे नोट्स बनाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, 1 मिनट, अरे यार 1 मिनट मार कर लेना, नील गाय को बस देख लेना ऊपर से। ठीक है, नील गाय वर्मिन होता है क्या? नील गाय को वर्मिन डिक्लेयर करते हैं? किया था सर बिहार वाले टाइम में, जब उधर बहुत ज्यादा फसल खराब कर रहा था। अब कर सकते हैं। शेड्यूल 2 में है तो कर सकते हैं। चलो, बिहार में फसल खराब करा था तुम लोग, याद है? नहीं, तेज हो तुम लोग। मुझे बहुत पुराना न्यूज है, 3 4 साल पहले बट पढ़ा था। उस वक्त एनवायरनमेंट मिनिस्टर कौन हुआ करता था? उस समय ध्यान नहीं आ रहा। प्रकाश जावड़ेकर। अच्छा जावड़ेकर, हाँ उसको इसीलिए हटाया था सर, कुछ इशू हो। अच्छा हाँ, तो उसके बाद उसको फिर बेचारा नील गाय को मरवाया, उसके बाद तो फिर कहानी खत्म हो गया उसका। चलो ठीक है, ये देख लेना बाबू, है ना, इस पर नोट बना। यूपीएससी से इसका बहुत ज्यादा लगाव है, इस पे और हाथी से। ठीक है, बाकी ये छोड़ दो, छोड़ दो, ये छोड़ दो, ये संकोचक शेष पॉइंट। एक्सेंटर क्या होता है? एक्सेंटर्स, एक्सेंटर्स क्या होता है? इसको पता है? मेरे को सही नहीं पता, इसलिए पूछ रहे हैं। एक्सेंटर क्या होता है? सर्च करूं सर, करो तो एक बार, मेरे को नहीं पता इसका एक्सेंटर क्या होता है। इसे चिड़िया दिखा रहा है हम लोग की तरफ, वो छोटे वाली चिड़िया नहीं होती थी। बारबेट्स क्या होता है? अरे चिड़िया होता है सब, सब पूरा चिड़िया का ही लिस्ट है, ऊपर करके तुम्हें को दिखाया है, बस अभी से दिखा के बॉय दिखाया थी। ओके ओके बारबेट्स, बारबेट पूरा बार डाल तो ऊपर ऊपर वहां पर लिखा है। बीटेस से तो तुम समझ जाओगे कि क्या है, समझ जाओगे ना? नहीं समझोगे, समझ जाओगे। ठीक है, हेरॉन्स तो भी पता ही है, ऊपर मार करवाया है ना, कोई जरूरत नहीं है इसको करने का, इसमें इसमें कोई काम का नहीं दिख रहा है, इसमें नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, बंटिंग नहीं दिख रहा है। ये वो पढ़ लेना, ये मार्क करना है। कोई काम का नहीं है अब। ठीक है, चलो।